नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। रीमेक वुड में आने वाली एक और रीमेक फिल्म बच्चन पांडे की हम यहाँ बात कर रहे हैं। हाउसफुल 4 के बाद यहाँ पर अक्षय कुमार, डायरेक्टर फरहाद शमजी और कृति सेनन एक साथ वापस आ रहे हैं। फिल्म का नाम है बच्चन पांडे, जो कि शूट हुई है जैसलमेर राजस्थान में, लेकिन आप ट्रेलर देखते हैं तो आपको कहीं कहीं अवधि, कहीं कहीं बिहारी और कहीं कहीं शुद्ध हिंदी वाला एक्सेंट आपको देखने को मिलता है। तो फरहाद शमजी का जो सिनेमा होता है उसमें कहीं की भिंडी, कहीं गिलकी, कहीं अदरक, मतलब कुछ भी मिला करके वो एक मिक्स वेज बना के रख देते हैं, वो डिटेलिंग में काम नहीं करते हैं, और यही हमें यह ट्रेलर में दिखाई दिया है। अक्षय कुमार एक तरफ तो कहते हैं कि भौकाल बनाए रखने के लिए भय बनाए के रखना बहुत जरूरी होता है, वहीं ट्रेलर जब एंड होता है तो सलमान खान को कहीं ना कहीं ताना मारा गया है कि मैं भाई नहीं, मैं गॉड फादर हूं। ये जो फिल्म है ये रीमेक है 2014 की तमिल फिल्म जिसका नाम था जिगर ठंडा, यानी कि कोल्ड हार्ट। कोल्ड हार्ट मतलब पत्थर, यानी कि सीधे सीधे शब्दों में कहें तो पत्थर दिल इंसान, और यहां अक्षय कुमार को पत्थर दिल दिखाने के लिए पत्थर की आंख भी लगा के उन्हें काफी ज्यादा भौकाल वाला इंसान दिखाने की कोशिश की गई है। अक्षय कुमार काफी टाइम के बाद यहां कॉमेडी और थोड़ा नेगेटिव शेड में यहां पर दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ पंकज त्रिपाठी भी है, अरशद वारसी भी है और अभिमन्यू सिंह है, जिन्हें आप साउथ की फिल्मों में कई बार नेगेटिव किरदार में देखा करते हैं, वो यहां पर पेंडुलम का किरदार निभा रहे हैं। वहीं गोलमाल जैसी फिल्मों में कॉमेडी का जलवा दिखाने वाले संजय मिश्रा जी यहां पर बफरिया के किरदार में अटक अटक के बफर बफर करके बात करते हैं। तो यहां पर ट्रेलर में बहुत सारी चीजें रिवील कर दी गई हैं, और ज्यादा अगर आपको चीजें पता करनी है तो आप जिगर ठंडा फिल्म यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी, वो आप देख सकते हैं। ट्रेलर के अंदर पिक्चर पूरी तरह से रिवील ऑलरेडी की जा चुकी है, फर्क बस इतना है कि ओरिजिनल जो थी, हालांकि जो ओरिजिनल फिल्म थी तमिल की जिगर ठंडा, वो भी एक कोरियन फिल्म डर्टी कार्निवल से इंस्पायर्ड थी, तो एक रीमेक का ऑलरेडी यहां पर रीमेक बनने वाला है। वैसे जिगर ठंडा का ऑलरेडी रीमेक बन चुका है तेलुगु में, कन्नड़ा में, अब हिंदी में भी रीमेक बनने वाला है। हालांकि जब आप बच्चन पांडे का ट्रेलर देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ओरिजिनल फिल्म से यहां पर काफी चेंजेस किए गए हैं। ओरिजिनल फिल्म में सिद्धार्थ जो कि हीरो है वो वहां पर जाते हैं एक विलन को शूट करने, उसकी लाइफ को कैमरे में कैप्चर करने, वो किरदार यहां पर कृति सेनन कर रही है। अब फिल्म की कहानी क्या है ये तो ट्रेलर के थ्रू पता चल ही चुकी है। कृति सेनन और अरशद वारसी जाते हैं एक गैंगस्टर की जिंदगी को एक कैमरे के थ्रू दुनिया के सामने लाने के लिए, और वो जो विलन है, वो जो बच्चन पांडे है, वो रावण है, उसकी आंख पत्थर की है, वो लोगों को फन के लिए मार देता है, और कैसे वो कॉमेडी या सार्कास्टिक अंदाज में कैमरे के सामने बोलता है कि हमारे पिताजी कैंसर की आखिरी स्टेज पर थे, वो बच नहीं पा रहे थे, मेडिकल वाले पैसा मांग रहे थे इसलिए हमको हथियार उठाना पड़ा, फिर बाद में बोलते हम तो फन के लिए मारते थे, मजा आता था इसलिए मारते थे, और मजा आना शुरू किया तो और लोगों को मारना शुरू कर दिया। वो बच्चन पांडे जो सिर्फ भौकाल बनाए रखने के लिए, फन के लिए लोगों को मारता है, उसके अंदर एक अच्छा इंसान भी छुपा हुआ है, वो यहां पर हमें इस फिल्म के थ्रू दिखाई देगा। उसकी एक बैकग्राउंड स्टोरी है जहां उसकी जो सोफी नाम की गर्लफ्रेंड थी, जो कि जैकलिन फर्नांडिस निभा रही है, और जो एक मीम चला करता था ना साउथ इंडियन फिल्म का, जहां पर एक ही नारियल पानी को दो लोग पी रहे हैं, तो वही यहां पर पिक्चर का पोस्टर भी, मतलब सोशल मीडिया से यह फिल्म काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, स्पेशली सोशल मीडिया पर जो मीम्स बनते हैं उन्हें इस फिल्म में काफी ज्यादा तवज्जो दी गई है। सो ओवरऑल एक ही बात कहूंगा, कट कॉपी पेस्ट से भरपूर है ये फिल्म। यहां पर सोशल मीडिया के मीम्स, साउथ की फिल्में या इंटरनेशनल फिल्में, उन्हें सबको मिलाकर के एक यहां पर रायता बनाकर आपके सामने परोस दिया गया है। वैसे भी फरहाद शमजी जो है, चाहे आपने हाउसफुल देखी हो, वहां 400 साल पुरानी स्टोरी को नए जमाने में उन्होंने कैसे जोड़ा और किस तरह से बाला बाला करके गाना जिसमें रशियन डांसर्स थी, एंड आई एम श्योर वो इटालियन कैसे उस इटालियन किरदार को भी 400 साल पुराने हमारे इतिहास में इन लोगों ने घुसेड़ दिया था राजा रजवाड़ाओं के समय पर, इटालियन पेस्ट, आई एम जोकिंग। तो फरहाद शमजी और अक्षय कुमार का जो कॉम्बिनेशन होता है ये एंटरटेनमेंट की गारंटी होता है, और इनके मनोरंजन वाले यूनिवर्स में लॉजिक का या फिर डिटेलिंग का कहीं कोई काम नहीं होता है। एंड आई एम 110% श्योर कि जब ये फिल्म बच्चन पांडे आप देखेंगे तो क्लाइमेक्स में आप देखेंगे कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया जाता है अक्षय कुमार का, एक पत्थर दिल गैंगस्टर गॉडफादर से एक भोले भाले मासूम इंसान के तौर पर, जिसके अंदर दया, भावना, करुणा भी है, लेकिन वो ट्रेलर में नहीं दिखाई गई है। तो ये है मेरा रिएक्शन बच्चन पांडे ट्रेलर के ऊपर। आपको ये ट्रेलर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं कि अक्षय कुमार का लुक उनके ऊपर जबरदस्त तरीके से जम रहा है, वो जो पत्थर की आंख और जिस तरह से वो डायलॉग बोल रहे हैं वो कातिलाना लग रहे हैं। कॉमेडी भी जबरदस्त है यहां पर, और गोलीबारी, मारकूट, एक्शन भी दमदार तरीके से। बट कमी बस यही रह जाती है कि डायरेक्टर जो है वो कट कॉपी पेस्ट और सोशल मीडिया से मीम्स उठा करके डालना, मतलब एकदम चालू काम लगता है मुझे। इसमें
डिटेल या फिर मेहनत थोड़ी कम दिखाई देती है। आपका क्या कहना है कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और करें सब्सक्राइब डीएसके टॉक्स को यदि आपने नहीं किया है। तो चलिए ये वीडियो यहीं खत्म कर देता हूं। अपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।